मकसद है इन सियासतदानों को जो इन्होंने 30 साल से इस अवाम को गुमराह करके रखा था, अब इन्हीं को भगा भगा के यहां से भगाना है। मेरे दोस्तों, एक बात याद रख लेना, अगर इस जिले कुपवाड़ा के साथ खासकर इस गरीब आवाम के साथ जिन्होंने 30 सालों से इनको इख्तदार दिया, अगर अब इस्तेसाल हुआ जावेद कुरैशी इनके अब कपड़े फाड़ेगा। इन्होंने हमें 30 सालों से कभी सब्ज रुमाल, कभी 370, कभी 35, पता नहीं कितने कितने याद क्या रखे, कितने झंडे हैं यहां के सियासी लीडरों को। मगर जो इनको इख्तदार देता था इन्हीं के साथ इन्होंने इस्तेसाल किया। जब से भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत संभाली पूरे मुल्क में, वजीर आजम हिंद ने जब से हिंदुस्तान में हुकूमत संभाली, इसी ने इन चोरों को नंगा करके इनकी खोटी सियासत को बिल्कुल अवाम के सामने रख दिया। मेरा काम है इस आवाम को बेदार करना। मेरे दोस्तों, हम सोए हुए लोग हैं, हम कब बेदार हो जाएंगे? मेरे दोस्तों, हम 30 सालों से सोए हुए हैं, मरगुजारों को इन्हीं सियासी लीडरों ने भरा है, हमें अभी भी अकल नहीं आ रही है। मेरे दोस्तों, पूरे जो हिंदुस्तान के जेल है उनमें कश्मीरियों को भर दो, ये इन्हीं सियासत लीडरों की चालें हैं। अगर आप कश्मीर में कोई पथराव नहीं होता है, किसी सिविलियन को ऐसे नहीं उठाया जाता है, इनकी तो भूख लाट होगी, सिफारिश किसको करेंगे ये भाई, किसे पैसे ले लेंगे? इन्होंने अपने दुकानों को चमकाया था, खासकर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने इनको नंगा करके छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, अगर हमें जिले कुपवाड़ा को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना है? भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। मेरे दोस्तों, आप चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ असेंबली इलेक्शन में देख लेना। मैं आज ही कह रहा हूं, हमें कोई वोट नहीं चाहिए, मगर मैं इस जिले कुपवाड़ा को जन्नत बनाना चाहता हूं।